नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। हाजिर हूँ मैं जंगल की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की स्टोरी है जॉर्ज नोल्स की। जॉर्ज नोल्स की इससे पहले मैं 3 स्टोरीज अपलोड कर चुका हूँ, और ये स्टोरी जो है जिस स्टोरी के कंटिन्यूएशन में है, उस स्टोरी का नाम है डिजास्टर इन कैम। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोगों को थोड़ा रिकलेक्ट करना है या उस स्टोरी को रिविजिट करना है कि उसमें क्या हुआ था, तो आप इस लिंक के थ्रू जा सकते हैं वहाँ पे। दरअसल मैं उस स्टोरी में, या वो जो घटना इनके साथ हुई थी, उसमें ये थी कि जब ये वहाँ आए थे पहाड़ की तलहटी के रेलवे स्टेशन में, वहाँ से इन्होंने जंगल कैंपिंग के लिए जाना था एक कैंपिंग साइट, क्योंकि वहाँ से जहाँ जाने में 2 दिन लगते थे, वहाँ के लिए चल पड़े थे एक हाथी में, और हाथी बितक गया था। उसके बाद फिर ये उसी हाथी को लेके कैंपिंग साइट पे गए और रात को वहाँ रहे थे, तो रात को इनका सामान चोरी हो गया था। अगले दिन फिर ये वहाँ से इस साइट पे पहुँचे जहाँ की बात आज हम करने जा रहे हैं। तो जो इनके होस्ट थे वो ऑलरेडी वहाँ कैंप कर रहे थे, पहले से ही वहाँ पर थे, उनके साथ और भी कई गेस्ट थे। उसके अलावा उस कैंपिंग साइट में और भी बहुत सारे टेंट लगे हुए थे। वो एक बहुत ही खूबसूरत वैली है, जैसा कि जॉर्ज नोल्स ने बताया है। हालांकि उसका एग्जैक्ट नेम उन्होंने दिया नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से वो बताते हैं, वो सब हिमालयन रीजन की रही है, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो तत्कालीन नैनीताल या अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की स्टोरी है। जिस जगह की वो बात बताते हैं, उसका एरिया करीब 5-6 स्क्वायर माइल का है, उस वैली का एरिया। 7 वहाँ पर फाउंटेन्स हैं, 7 झरने बहते हैं, और बेहद ही खूबसूरत जगह है एनवायरनमेंट के हिसाब से, पेड़ों के हिसाब से, और जंगली जानवरों के हिसाब से। यानी कि वहाँ की जो वैरायटी है फ्लोरा एंड फौना की, वो अद्वितीय है। तो जब नोल्स वहाँ पहुँचे अपने साथी जैक के साथ, तो उन्होंने वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों को बताया कि उनके साथ क्या हुआ पिछली रात को, और उनके जो होस्ट थे मिस्टर एंड मिसेस बीए, उन्होंने उन्हें रिसीव किया। और वहाँ पर वो तो कहते हैं 2 और गेस्ट थे, 2 लेडीज़ थी जो इंग्लैंड से आई हुई थी, और उसके अलावा एक कपल था जो आर्मी के रिटायर्ड लोग थे। सभी लोगों ने मिलकर उन्हें रिसीव किया। शाम का समय हो चुका था, और उस समय उनकी कैंप फायर जली हुई थी, और ये लोग कैंप फायर के चारों तरफ बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे, तो कहें कि घाटी के एक तरफ एक टाइगर की रोर उन्हें सुनाई देने लगी। तो तभी उनसे एक व्यक्ति ने कहा, जो रिटायर्ड कर्नल वहाँ पर था, उसने उनसे कहा कि सर, आप जहाँ आए हैं ये एक जादुई घाटी है, अलौकिक घाटी है, विलक्षण है। यहाँ पर किसी इंसान का शासन नहीं चलता, बल्कि इस घाटी के जो गार्डियंस हैं, संरक्षक हैं, वो टाइगर्स हैं। टाइगर, टाइग्रेसेज या लेपर्ड्स, यानी कि जो कार्निवोरा हैं, वो इस घाटी की रखवाली करते हैं। और यहाँ पर एक सुपरस्टिशन सदियों से चलता आ रहा है। वो सुपरस्टिशन ये है कि यहाँ जब भी आप आते हैं, किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या मत रखिए, किसी के प्रति डाह मत रखिए, किसी से जलिए मत, और किसी बात पर झगड़िए भी मत। अपने मन को आपने शांत रखना है, सबके प्रति आदर सत्कार रखना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो जो इसके संरक्षक हैं, गार्डियंस हैं, जो टाइगर्स, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको हार्म करेंगे। ऑल्सो कहते हैं कि जैसा कि वहाँ पर टाइगर गरज रहा था, तो एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि ये टाइगर गरज क्या आपको बता रहा है कि यहाँ के संरक्षक हम हैं। तो नोल्स कहते हैं कि घाटी बेहद खूबसूरत थी, इसमें कोई दो राय नहीं, और वहाँ के बारे में कई और स्टोरीज प्रचलित थी, जिनमें से एक थी जिसे कई दशकों से या सदियों से लोग सुनते आ रहे थे, और जो सुपरस्टिशन से रिलेटेड थी, सुपरस्टिशन के पीछे क्या था,
उस कहानी को किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया। थर्ड सेंचुरी BC, थर्ड सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, यहाँ पर अशोक आए थे, द ग्रेट अशोक एम्परर। वो अपने एक साथी के साथ वहाँ पर आए थे जो उनका सेनापति था। उन्होंने प्लान ये बनाया था कि वहाँ वो उन जगहों पर विजिट करेंगे जहाँ पर गौतम बुद्ध के अवशेष हैं या उनके कोई उनकी कोई याद की कोई चीज़ है। नोल से कहते हैं कि ये जो रीजन है ये पहले इसी ज़माने में नेपाल का हिस्सा रहा करता था, और ये उस ज़माने में रहा करता था जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध अपना घर बार छोड़ के जंगल को चले गए थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो इस वैली में वो घूमे थे, और इस वैली की जो विशेषता है, यहाँ की सुंदरता है, उसकी वजह गौतम बुद्ध ही थे। तो इन इलाकों में गौतम बुद्ध जब आए थे, उनके आने के बाद उस इलाके में जितने भी लोग इंडिजिनस ट्राइबल्स रहते थे, तो सब के सब गौतम बुद्ध से काफ़ी प्रभावित हुए, और उनका जो सिद्धांत था जीवन के प्रति, उसको उन लोगों ने एडॉप्ट किया और उनके फॉलोअर बन गए। और उनके कई जगह वहाँ पर उन्होंने एक तरह की उनकी याद में कुछ जगह बनाई हुई थी। तो अशोक जो कि बौद्ध बन गया था कलिंग के युद्ध के बाद, और उसने बौद्ध धर्म को स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर कर लिया था, तो उन उन जगहों को विजिट करता था जहाँ गौतम बुद्ध गए थे किसी ज़माने में। तो यहाँ भी वो अपने सेनापति के साथ आया था, सेनापति के साथ उसकी वाइफ भी थी और एक पुजारी था, ये चार लोग वहाँ आए थे। तो नोल्स को जो स्टोरी बता रहा था, उनका कहना था कि जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो सेनापति की जो पत्नी थी वो बहुत बीमार थी, उसे मलेरिया हो और बहुत चरम सीमा पर था, जिसकी वजह से बहुत कमज़ोर हो गई थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन जैसी वो इस इलाके में पहुँची, यहाँ उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और वो रिकवर करने लग गई। उस इलाके में वो कहते हैं कि एक गुफा भी है जहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है जो एक तरह से आधी इंसान की है आधी महिला की है, एक भगवान शंकर की भी ऐसी मूर्ति होती है अर्धनारीश्वर की, तो लगभग उसी किस्म की मूर्ति थी जहाँ उसकी पूजा होती है, और हो सकता है वो अर्धनारीश्वर की ही मूर्ति हो। तो जब अशोक वहाँ पहुँचे अपने सेनापति के साथ, उन्होंने उस इलाके की सुंदरता को देखा और ये भी देखा कि उसकी जो सेनापति की पत्नी थी उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, वो स्वस्थ हो गई। तो उन्होंने अपने पुजारी से निवेदन किया कि वो इस घाटी को आशीर्वाद दें। तो सम्राट अशोक के कहने पर पुजारी ने उस घाटी को आशीर्वाद दिया, जो कि 5-6 square miles का एरिया था, और उसका संरक्षण टाइगर्स को दे दिया। और तब से ये एक प्रथा वहाँ चली आ रही, या अंधविश्वास कहिए, ये चला आ रहा है कि उस इलाके के जो संरक्षण हैं वो टाइगर्स हैं। और मिस्टर बीएन ने नोल्स को ये भी बताया कि इस इलाके में इस संरक्षण के बदले टाइगर्स को एक प्रिविलेज हासिल है कि वो हफ्ते में एक दिन इस इलाके में शिकार कर सकता है, और वो शिकार करेगा तो झुंड में उस जानवर का करेगा जो सबसे बूढ़ा होगा और सबसे दुबला पतला या बीमार होगा। और उनका कहना था कि जब भी इस तरह की घटना यहाँ हुई, जब भी इस इलाके में कोई शिकार हुआ, इनवेरिएबली उन्होंने ये पाया था कि जो भी जानवर मारा गया वो बीमार था और वो मेल जानवर था, किसी फीमेल जानवर को वहाँ नहीं मारा गया था। और इसके अलावा अगर कोई टाइगर हफ्ते में एक से ज़्यादा शिकार करना चाहे तो उसको इस 5 square miles के बाहर की एरिया में परमिशन थी शिकार करने की, अंदर की नहीं। इस एरिया के बॉर्डर के बाहर से जो लोग यहाँ आते थे, प्लेन से जो यहाँ आते थे रडरिए शेफर्ड अपने जानवरों को लेके, वो भी इस अंधविश्वास को मानते थे। और वो कहते हैं कि उन्होंने भी इस बात को कन्फर्म किया था कि अगर कभी उनके मवेशियों को मारा गया तो उनके मवेशियों में उसी जानवर को मारा गया जो सबसे बूढ़ा था, सबसे कमज़ोर था, और एक तरह से उनके किसी काम का नहीं था।
लिहाजा जानवर के मरने पर उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसके अलावा जब भी वो चाहते थे कि उनके जानवरों की सेफ्टी हो तो वहाँ पे अपना डेरा डालते थे और बिना किसी चिंता के अपनी नींद लेते थे, सोते थे और रेस्ट करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ पर बेवजह उनके किसी मूल्यवान जानवर को नहीं मारा जाएगा। ये सारी स्टोरी उनको सुनाई गई। उसके बाद उन्होंने डिनर किया। डिनर के बाद फिर वो बैठ गए कैंप फायर के चारों तरफ गप्पे मारने में। तो कहते हैं इसी वक्त उनके दाहिनी तरफ जो नदी बहती थी उसकी दूसरी तरफ से दहाड़ने की आवाज़ सुनाई। तो उस ग्रुप में जितनी महिलाएं बैठी थी वो सब भागते हुए कोई टेंट में चला गया, कोई और इस बंगलों के अंदर चला गया। भाई वहाँ पर जो मेल्स थे वो सब हंसने लगे। भाई कुछ ही देर बाद फिर ये महिलाएं वापस आई, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो दहाड़ थी वो किसी टाइगर की नहीं थी बल्कि एक हाइना की थी। उन्हें एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मिस्टर बीए ने बताई थी, वो ये थी कि जिस हथनी में वो यहाँ बैठ के आए हैं उसका नाम पियारी था और उसका महावत भी उनके साथ आया था। तो उन्होंने स्टोरी ये बताया कि इस हथनी को इसी इलाके में पकड़ा गया था, यानी कि इसी इलाके में घूमते थे जंगलों में झुंड बना के। तो जो खेदा एक प्रोसेस होती है हाथियों को पकड़ने की जंगल में, उसी के तहत इस हथनी को यहाँ पकड़ा गया था। तो एक आदत के रूप में जब भी ये हथनी यहाँ आती है कैंपिंग के लिए, लोग यहाँ पर आते हैं इस हथनी में, तो शाम को इसे छोड़ दिया जाता है, यानी कि इसको यहाँ चेन में नहीं बांधा जाता है, चेन में बांधने का ये बिल्कुल विरोध करती है। और उन्हें ये भी बताया कि ये शाम को अंधेरा होते ही जंगल में चले जाती है जहाँ इसके पुराने साथी इससे मिलते हैं, और वहाँ संभव है कि इसके जो माँ बाप हैं वो भी इसे मिलते हैं और रात को ही ये वापस आ जाती है। जिस समय ये जाती है ये इनवेरिएबली वो टाइम होता है जिस समय सारे के सारे गेस्ट सो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कब चले गई और किसी को पता नहीं चलता वो कब वापस आ गई। तो जब नोल्स ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए ये देखने की कि आखिरकार ये हथनी जिसका नाम पियारी है जाती कहाँ है और किन हाथियों से मिलती है और कैसे ये फिर टाइम पर वापस आ जाती है। उन्होंने बताया कि आज मैं और जैक रात को 12 बजे यहाँ आएंगे और कोशिश करेंगे इस हथिनी की जासूसी करने की। तो उन्होंने जो हथिनी का महावत था उसको भी वहाँ पे बुलाया और उसको बताया कि आज हमारा प्लान ये है, मैं और जैक हमारे साथ चलेंगे, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तो कहे जैसे उन्होंने उसे ये बातें बताई तो वो थोड़ा सा हंसने लगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे हमारी बात पसंद नहीं आ रही या जो हम कह रहे हैं उसे वो नहीं करना चाह रहा है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो बहरहाल वो ये कहते हुए कि हाथियों के साथ कुछ जोक भी हो सकता है कभी, ये कहते हुए वो चला गया। कह रात को हम बैठे हुए थे वहाँ पे, करीब 10:30 बजे होंगे। हमारे साथ जो जो लेडी इंग्लैंड से आई थी उनमें से एक का नाम मॉली था, वो गिटार बजा रही थी। गिटार में एक गाना वो बजा रही थी जो गाना आमतौर पे सोने से पहले लेडीज़ बजाती हैं या गाती हैं, वो गाना बज रहा था। तो हम आवाज़ में उसके सुर से सुर मिला रहे थे। तो अचानक हमने एक हाथी की चिंगाड़ सुनी और जिस तरफ से चिंगाड़ आई उस तरफ देखा तो एक बहुत विशालकाय हाथी हमें दिखाई दी। हमें अचानक समझ में नहीं आया ये हाथी यहाँ कहाँ से आ गया। तो जो पहला थॉट हमारे दिमाग में था वो यही था कि ये कोई रोग एलिफेंट यहाँ आ गया है। इतने में ही वह हाथी आगे बढ़ा और उस तरफ आया जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। तो उसने अपनी सूंड आगे बढ़ाई और हमारे साथ जो लोग थे सब मैं भगदड़ मच गई, कुछ नीचे गिर गए और कुछ बंगले की तरफ भाग गए। तो इसी कंफ्यूजन में हम
उलझे रहे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो इतने में ही जो माहौत आया था पियारी का, वो वहां पर आया, उसने उसे कुछ रोकने की कोशिश की। एक चीज जो नोटिस की, उसकी आवाज में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, वो बिल्कुल आराम से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। और इतने में हमने ये भी रियलाइज किया कि वहां पर सिर्फ मैं और मौली रह गए, बाकी सब लोग गायब हो गए। इतने में वो हाथी आगे बढ़ा और उसने अपनी सूंड आगे बढ़ा के मौली को खींचने की कोशिश की। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, मौली के हाथ में गिटार था, उसने वो गिटार को छोड़ नहीं रही थी। तो एक तरफ से मैंने मौली को खींचा, लेकिन दूसरी तरफ से उसके हाथ को पकड़ के हाथी ने खींचा अपनी तरफ। इतनी तेजी से खींचा कि उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। तो उसके बाद उसने मौली के कंधे पे, जो उसने कोट पहना था बड़ा, उस पर अपनी सूंड लगाई और उसने कोट को ऊपर उछाल दिया। और थोड़ी देर में जो गिटार नीचे पड़ा था मौली के हाथ में था, उसको भी उसने लपेट के खींच लिया ऊपर। क्या हम जोर जोर से चीख रहे थे, पूरी भगदड़ में परेशान थे, और वहाँ पर करीब 3 हाथी आए हुए थे। क्या हमारी सांसें चढ़ गई थी, और भागते हुए हम अंदर की ओर गए। और उसी समय हमने आवाज़ सुनी कि अंदर से कुछ लोग बाहर आ रहे हैं हमारी मदद की ओर। भागते हुए जब हम अंदर पहुंचे तो जितनी महिलाएं थी, मौली उनकी तरफ भागी, मैं एक तरफ भागा, सांसें बहुत तेज चल रही थी। ये सब मैं देख रहा था, सोच रहा था कि अचानक ये हाथी ने हमला क्यों किया, और बहुत सारी चीज़ें सोचने का मेरे पास मौका नहीं था। तो एकदम से सुना कि लोग ठहाके मार के हंस रहे। समझ नहीं आया कि लोग हंस क्यों रहे। कि मैं उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा तो देखा इस तरफ महिलाएं भी हंस रही हैं और पुरुष भी हंस रहे हैं, और थोड़ी देर में देखा वो महावत भी हंस रहा है। तो कहे, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली इन लोगों ने हमारे साथ जो था वो एलिफेंट प्रैंक कर दिया है। तो पहले जो रात को हम इस महावत से कह रहे थे कि हमारे साथ चलेगा रात को, तो ये तैयार हो नहीं रहा था। प्रोबेबली उसी समय इन लोगों ने, इन 3-4 जनों ने मिल के प्लान बनाया था कि रात में इन लोगों के साथ प्रैंक कर दिया जाए। हमारे साथ प्रैंक बड़ी केयरफुली प्लान किया गया था। इस बात का सबूत इस बात से भी मिल गया हमें कि जितने भी लोग थे, सर्वेंट्स थे इलाके में, वो सब पेड़ों में चढ़े हुए थे। ऐसे मोटे मोटे लोग जो कि जमीन में पैदल नहीं चल सकते, वो भी पेड़ों में चढ़े हुए थे। इसका मतलब ये था कि ये काफ़ी केयरफुली प्लान्ड एक प्रैंक था जो हमारे ऊपर किया गया था। और सुबह मुझे ये भी शक हो रहा था कि शायद इसमें मौली भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि उसके चेहरे पर भी कोई मुझे फ्राइटन लुक नहीं मिला। वो भी जो कुछ हो रहा था उस सबको ऐसा लग रहा था कि वो एंजॉय कर रही है। अभी उसके बाद हमने देखा कि वाकई वहाँ पर 3 हाथी थे। जो पियारी थी वो वापस चले गई और अपने साथ मौली का कोट और गिटार भी लेके गई। और साथ में हमने देखा एक बुल एलिफेंट था जो पियारी का बाप था, और एक फीमेल एलिफेंट थी जो उसकी माँ थी, वो भी पियारी के पीछे पीछे जंगल में चले गए। यहाँ पर ये जो जंगली एलिफेंट्स थे, ये भी एक तरह से व्यवहार करते थे जो पालतू हाथी हैं उनकी तरह से, यानी कि खतरनाक नहीं थे और बड़े फ्रेंडली तरीके से ये लोगों को ट्रीट करते थे। फिर कुछ देर बाद पियारी का महावत उसे वापस लेके आया, वो मौली का कोट और उसका गिटार भी साथ में वापस लेके आए। तो नोल से कहते हैं कि जब सारी घटनाएं हो गई और सब लोग बैठ गए साथ में, और ये कंफर्म हो गया कि ये प्रैंक था हमारे साथ, तो हमने भी इस बात को बहुत इन्जॉय किया। और अब उस घटना के बारे में सोच के हमें बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों, ये थी एक स्टोरी जंगल की, जॉर्ज नोल्स की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही एक और स्टोरी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।